और अब बात बड़ी खबर की, कर्नाटक संकट पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है। इसके बाद कुमारस्वामी सरकार का गिरना लगभग तय माना जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक 15 बागी विधायकों के इस्तीफे पर निर्णय लेने का अधिकार स्पीकर पर छोड़ दिया है कोर्ट की तरफ से। बागी विधायक अविश्वास प्रस्ताव में शामिल होंगे या फिर नहीं, इस पर भी दबाव नहीं बनाया जा सकता। कोर्ट ने कहा कि विधायकों के इस्तीफे पर फैसला स्वीकार करें। कोर्ट ने कहा है कि स्पीकर नियमों के अनुसार ही फैसला करें। बागी विधायकों के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट में दलील रखने वाले वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने फैसले पर कहा कि 15 बागी विधायकों को विधानसभा की कल होने वाली कार्यवाही में शामिल होने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। ये एक बड़ी खबर इस पूरे मामले पर, आपको बता दें। अब ये देखना होगा कि क्या स्पीकर का फैसला होगा और कैसे जेडीएस और कांग्रेस सरकार के पास कोई और विकल्प बचता है या नहीं, क्योंकि इससे तो ये साफ हो गया है कि कुमार स्वामी सरकार का गिरना लगभग तय है। कोर्ट ने दोनों साइड की दलीलें सुन के ये फैसला किया कि पहली बात तो 15 एमएलए, 10 ओरिजिनल, 5 और, जिसमें मिस्टर आनंद सिंह हैं जिन्होंने 1 जुलाई को रिजाइन किया, पूरे 15 को कोई कंपल्शन नहीं है कि कल वो सदन में जाएं या ना जाएं। तो जो व्हिप इशू किया है कांग्रेस पार्टी ने कि ये 15 भी असेंबली में जाएं और ट्रस्ट वोट के हक में वोट करें, या जेडीएस के जो 15 में से हैं, तो ट्रस्ट वोट में जाना या कंपल्शन के एक वोट करना, सुप्रीम कोर्ट ने हमें ये रिलीफ दी है कि हम जाएं या ना जाएं हमारी मर्जी है। तो अगर ये 15 एमएलए कल वहां नहीं जाएंगे तो आपके सामने है ट्रस्ट वोट में कि उस नंबरों पे क्या पोजीशन है, इसमें कहने के तो कोई दूसरा। कोर्ट ने ये कहा है कि रेजिग्नेशन का मुद्दा जो है ये स्पीकर डिसाइड करे, उसका टाइम फ्रेम वो डिसाइड करे, और जो फैसला वो करेगा वो सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा जाए। सुप्रीम कोर्ट हैज गिवन वेरी गुड वर्डिक्ट, ऑल 15 एमएलएस, 200 रिजाइंड, दे कॉन्ट इश्यू एनी व्हिप एंड देर इज नो कंडीशन टू अटेंड द विधानसभा। दैट मीन्स कुमार स्वामी लॉस्ट हिज मैंडेट, टुमारो इज गोइंग टू मूव कॉन्फिडेंस मोशन, वेन देर इज नो मेजोरिटी ऑटोमेटिकली ही मस्ट रिजाइन टुमारो। आई वेलकम द सुप्रीम कोर्ट डिसीजन, इट इज द विक्टोरी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड डेमोक्रेसी। अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री बने हुए हैं अनैतिक गैर संवैधानिक तरीके से, उनको कल के ट्रस्ट वोट में कोई राहत नहीं मिलेगी। वो कल के वोट में वो अपनी मेजॉरिटी को प्राप्त नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इन विधायकों पर कोई दबाव नहीं है कल ट्रस्ट वोट में जाने का। तो इसका मतलब है कुमार स्वामी के पास बहुमत प्राप्त नहीं होगा, कुमार स्वामी का घर जाना कल तय है। दे कैनॉट कंपेल दी MLAs टू प्रेजेंट एंड वोट, VP लागू नहीं होता है, और कल देखेंगे। कल तो ऐसे तो विश्वास मत हासिल कर रहे हैं, देखेंगे हम। वी आर वेरी कॉन्फिडेंट दैट ये जो गवर्नमेंट है विश्वास खो चुका है, ये गवर्नमेंट चले जाते हैं और चले जाना चाहिए। महेश गुप्ता इस वक्त सुप्रीम कोर्ट से हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। महेश, जो कोर्ट ने एक बार कहा है जरा उसे विस्तार से बताइए। देखिए, कोर्ट ने अपना फैसला संक्षेप में सुनाया। कोर्ट ने कहा किसमें जो है स्पीकर के अधिकार क्षेत्र क्या होंगे, उनकी प्रक्रिया क्या होगी, तरीका क्या होगा, ये एक जो है विस्तृत बहस का मुद्दा है, क्योंकि इसके अंदर ये बातें थी कि वो इस्तीफे के बावजूद भी आयोग घोषित करने की कोशिश कर सकते हैं। तो क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो है राष्ट्रपति को, किसी भी राज्यपाल को, उपराज्यपाल को या फिर स्पीकर को कोई आदेश जारी नहीं कर सकता, उनसे सिर्फ सुप्रीम कोर्ट आग्रह कर सकता है। तो ये हमारे संविधान में मेंशन है।
तो इसलिए जो है एक इशू ये था कि अगर सुप्रीम अगर स्पीकर जो है किसी का इस्तीफा पहले स्वीकार ना करें या करें या अयोग्य घोषित करें या ना करें तो इस पर कहीं पर भी संविधान में हां या ना की स्थिति नहीं है। तो एक विस्तृत बहस का मुद्दा है जिस पर बाद में सुनवाई होगी। और फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम जो है क्योंकि कल 18 जुलाई है और जो है उसमें विश्वास मत के लिए उसमें सभी लोगों को शामिल होने के लिए कहा गया है विधानसभा के अंदर, तो उस पर उसको मद्देनजर हम देखते हैं अंतरिम फैसला सुनाते हैं जिसमें कहा गया है कि स्पीकर जो इनके इस्तीफे पर विचार करें फैसला नहीं लें, विचार करें, उनकी मर्जी है फैसला कब लेते हैं। ये कोर्ट ने कह दिया कि हम उनको जो है किसी प्रकार के बाध्य नहीं कर सकते हैं। हाँ। और साथ में ये भी कह दिया गया कि जो उनको ट्रस्ट वोट है उसके अंदर शामिल होने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। लेकिन कहीं भी सुप्रीम कोर्ट ने ये भी नहीं कहा है कि अयोग्य घोषित कराने के लिए अगर कोई प्रक्रिया अपनाते हैं या वो किसी को अयोग्य घोषित करते हैं उस पर भी रोक है। तो इसलिए जो है सरकार का जाना तय है जो आज का समीकरण है, लेकिन अगर वो अयोग्य घोषित कराए जाते हैं उस पर भी कोई स्टे नहीं है। ठीक है, जयपाल शर्मा भी बेंगलुरु से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जयपाल, अगर इसको समझा जाए कि अभी तो जो कुछ भी चल रहा है, जो कोर्ट की तरफ से कहा गया, उससे तो कुमार स्वामी सरकार के लिए संकट है गहरा। अभी विकल्प क्या होगा जेडीएस और कांग्रेस के पास, इसको कैसे समझें? जी देखिए, विकल्प की अगर हम बात करें तो अब उनके पास दो विकल्प हैं। पहला विकल्प यह है कि जो विधायक वहां गए हैं उनको मना करके वो वापस लेकर के आए, सदन में बैठाएं और जब वो विश्वास मत हासिल कर रहे हैं उस वक्त वो उनका समर्थन करें। हालांकि इसकी तमाम कोशिशें पहले बहुत की जा चुकी हैं, वो नाकामयाब हो गई हैं। और अभी जो हमें संकेत मिल रहे हैं उसके मुताबिक ये कि उन तमाम विधायकों ने जो 15 विधायक है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद तय किया है कि वो क्या कहते हैं मुंबई में ही रहेंगे, वो यहां नहीं आएंगे। तो कल जब वहां पर विश्वास मत की स्थिति होगी उससे पहले मुख्यमंत्री अगर चाहें तो वो विश्वास मत में भाग लेने से पहले जाकर के इस्तीफा दे सकते हैं या वो सदन में आकर के इसके ऊपर में एक लंबी बहस कर सकते हैं। निश्चित रूप से बहुत कुछ गुबार उनके दिल में भी होगा, उनको बहुत कुछ बोलना होगा, वो उसको बोलने के बाद वो विश्वास मत हासिल कर सकते हैं या विश्वास मत के बहस समाप्त होने के बाद जाकर के इस्तीफा दे सकते हैं। क्योंकि फिलहाल अगर हम देखें तो 16 विधायक हैं जिनमें से सिर्फ एक रामलिंगा रेड्डी यहाँ मौजूद हैं, रोशन बेग साहब यहाँ मौजूद हैं और इसके अलावा जो है बाकी विधायक जो है वो तमाम जो है अभी मुंबई के अंदर में हैं। तो ऐसे में उम्मीद कम लगती है कि अब उनके पास कुछ बचा है। कांग्रेस दावा कर रही है कि हम कल हासिल कर लेंगे, शायद उनको वो बेहतर बता पाए कि वो उनका उसके पीछे विश्वास क्या है और क्या रणनीति बनाई है, क्योंकि जो रणनीति बनाने की कोशिश की थी वो तो सफल होती हुई नहीं नजर आई। ठीक है, अमिताभ सिन्हा भी बीजेपी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। महेश, आप भी बने रहिएगा और जयपाल आप भी हमारे साथ बने रहिएगा। महेश जी, मुबारकबाद दे दूं फिर तो आपको, माफ कीजिएगा अमिताभ जी। पयोधी जी, सबसे पहली बात कि मैं यहां पर एक सुप्रीम कोर्ट के प्रैक्टिशनर के नाते कुछ बातें कहना चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधि जरूर हूं, लेकिन एक विशेष बात यहां यह है कि अभी भारतीय जनता पार्टी कुछ अभी विशेष कहने की स्थिति में नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये एक कानूनी दायरा है। देखिए, इस पूरे पिटीशन की यदि आप ध्यान दें तो इस पिटीशन में जो पिटीशनर्स हैं, जो 15 विधायक हैं, उन्होंने ये कहा कि हमें बाध्य न किया जाए, नंबर एक, और दूसरा कि स्पीकर हमारा इस्तीफा ले लें। अब इसमें उनको एक आंशिक जो है एक रिलीफ सुप्रीम कोर्ट ने दिया और उन्होंने कहा कि आपसे कोई इस्तीफा देने के लिए वापस लेने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता और न ही आपको बाध्य किया जा सकता है कि आप हाउस में जाके भागीदारी करें। ये उनको एक बहुत बड़ी जीत है। दूसरी बात, जहां तक कि स्पीकर को कोई डायरेक्शन देने की बात है, उसमें एक ये चूंकि संवेदनशील मामला है, ये आज का फैसला ऐतिहासिक है, लैंडमार्क जजमेंट है। जैसे बम्बई केस में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था वैसे ही ये भी फैसला बहुत लैंडमार्क है और इसमें उन्होंने एक जो बैलेंस ऑफ पावर्स है, जो संतुलन है संविधान में कि विधायिका और न्यायपालिका अलग अलग है, तो उसने उसका सम्मान किया सुप्रीम कोर्ट ने और स्पीकर के ऊपर में ये एक नैतिक रूप से विश्वास करते हुए कि जो कानून सम्मत कदम है वो आप उठाएं और बाद में यदि आप कुछ ऐसा काम करेंगे तो हम दोबारा उस पर अपना एक फुल कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में फैसला लेंगे। अब इसके मैं 10th शेड्यूल पे आता हूं, जो एंटी डिफेक्शन लॉ में देखिए, जो व्यक्ति
किसी चीज के लिए पहले इस्तीफा देने के बाद में एंटी डिफेक्शन लॉ से अलग हो जाता है। और जहां तक बात है इस केस के बारे में भी, तो रिट्रोस्पेक्टिव यानी पीछे की दृष्टि से आप किसी को एंटी डिफेक्शन लॉ में यानी कि उसके व्हिप उस पर जारी नहीं कर सकते, क्योंकि वो न सिर्फ मनस्थिति से बल्कि वास्तविक स्थिति में भी वो उस विधायक पार्टी से लेजिस्लेटिव पार्टी से अलग हो चुका है इस्तीफा देके। और जो संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार है, उस स्वतंत्रता के अधिकार के तहत हर व्यक्ति स्वयं में नैतिक और कानूनी रूप से सही निर्णय लेने के लिए अधिकृत है। तो इसलिए यदि उसने ये तय किया उस विधायक ने कि मैं अब इस विधायक का नहीं रहना चाहता, तो कोई देश का कानून नहीं है कि उसको जबरदस्ती बताया कि वो कानून रहना चाहता है। अभी मैं पिछले सेगमेंट में जब था तो एक कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे कि नहीं, उनको मैंडेट मिला है इसीलिए दे आर कंपेल्ड। मैंने कहा कि मैंडेट यदि ये मिला है कि कांग्रेस को कि जेडीएस के खिलाफ कम मैंडेट मिला था, तो उसने तो जेडीएस का मुख्यमंत्री बना के और सत्ता में प्रॉक्सी भागीदारी शुरू कर दी। तो मैंडेट टेक्निकल बातें हो गई, आपने भी समझाई और महेश हमारे सहयोगी जुड़े थे वो भी बता रहे थे, लेकिन मैं मुबारकबाद दे दूं ना आपको। देखिए, मुबारकबाद देश की न्यायपालिका और देश के प्रजातंत्र को देना चाहिए, क्योंकि यहां पर जो स्थितियां हैं वो कानून का राज है, यहां पर कोई जंगल राज नहीं है, और इसीलिए कानून के राज की व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट ने किया है। इसी बात का तो आरोप वहां पर लगाया गया जेडीएस कांग्रेस की तरफ से आपके ऊपर, लेकिन कोई बात नहीं, आने वाले दिनों में जब समीकरण बदलेंगे तो मैं एक बार फिर यही बात आपको बोलूंगी। लेकिन जयपाल, आगे अभी आप क्या संभावना देख पा रहे हैं? और जी देखिए, फिलहाल तो जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है उसके ऊपर में गहन मंथन चल रहा है। हालांकि येदुरप्पा ने अपनी प्रतिक्रिया दे दी है, उन्होंने बताया कि ये उनको वो फैसला बहुत सही लग रहा है और इसके लिए वो इस बात के लिए भी अब कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं कि कुमार स्वामी कल सदन के अंदर में विश्वास मत हासिल नहीं कर पाएंगे। कांग्रेस खेमे के अंदर में अभी जब इसके ऊपर में मंथन चल रहा है, निश्चित रूप से वो सोच रहे होंगे कि अब आगे का इसके लिए उनको कदम क्या लिया जाना चाहिए, क्योंकि स्थितियां साफ हैं। कम से कम स्पीकर को और अभी 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 इतनी राह आसान नहीं लग रही है जैसा कि कोशिश की जा रही थी कांग्रेस और जेडीएस की तरफ से। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, आगे भी अपडेट लेंगे। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन लौटेंगे।